हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने अर्थमैटिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अपना परसेंटेज फर्स्ट चैप्टर के रूप में लिया है। और दोस्तों, आज परसेंटेज की ये सेकंड क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में बिल्कुल बेसिक से जाना था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमने कल परसेंटेज के बारे में जाने थे। अगर आप परसेंटेज सीखना चाहते हो तो वीडियो जरूर देखें। अगर आप अर्थमैटिक सीखना चाहते हो तो इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। आज हमारी ये परसेंटेज की सेकंड क्लास है, इसमें हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया जाता है। किसी भी कंपेटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप मैथ की प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन रख रखे हैं, इनको अब मैं सोल्व करना सिखाऊंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बताना चाहूंगी कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। जैसे हमारे पास 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत 100 पर, तो परसेंटेज पर, प्रतिशत सेंचुरी से मिलता है, तो सेंचुरी 100 पर, तो 100 पर निकालना है परसेंटेज। तो 1/2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हमारे पास 50%। तो 1/2 किसके इक्वल है, यहां से 50%। अगर मैं बोलूं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ हमारे पास 50% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से क्या करना है, डिवाइड। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में डिवाइड करना है तो 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज में ये दो बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 1/2 एक फ्रैक्शन। ये किया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट, और ये किया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आशा करती हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों, इसके बाद हमने और क्या सीखा था, जैसे अभी क्या जाना हमने कि 1/2 है जो, वो किसके इक्वल है, 50% के। ऐसी मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारी फ्रैक्शंस लिखवाई थी जो मोस्टली यूज होती हैं, जिनको आपने याद कर लेना है कि ये फ्रैक्शन इस परसेंटेज के इक्वल होती है। लास्ट वीडियो में जो हम इम्पोर्टेंट यूज करते हैं उनको मैंने लिखवा दिया था। जैसे यहाँ हमारे पास 1/2 = 50% है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50% = 1/2। इसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, अब मैं वो आपको बताने वाली हूँ। यहाँ वन क्या है, वन एक पार्ट है टू का, वन इज आउट ऑफ टू। दूसरे तरीके से इसको कैसे यूज करेंगे, जो वन है वो टू का 50% है, वन है टू का 50% है। यहां से बोल सकते हैं टू का 50% कितना होगा, वन। टू का 50% कितना होगा, वन। तो ये यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्या है, 50% अगर इक्वल टू 1/2 है तो वन एक पार्ट टू का, वन इज आउट ऑफ टू, या फिर जो वन है टू का वो कितने परसेंट है, 50% है। तो ये बातें हमने लास्ट वीडियो में जान ली थी। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 14 × 2/7% चेंज इंटू फ्रैक्शन। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये परसेंटेज में दे रखा है जैसे अभी मैंने आपको सिखाया है। 14 × 2/7 इसको क्या करना है, परसेंटेज में ये दे रखा है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100 लगाते हैं। क्या करते हैं, हम डिवाइड में 100 लगाते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 14 × 7 जा हमारे पास 98 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100। ये सॉल्व करना आशा करती हूँ कि सभी को आता होगा। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। 14 × 7 जा हमारे पास 98 में 2 ऐड करेंगे, 100/7। ये हमारे पास परसेंटेज में है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 100 से डिवाइड करने के लिए हम क्या कर देंगे, 7 × 100। ये क्यों किया, अगर नहीं पता है तो, जैसे हमारे पास 100/7 है, इसको 100 से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, इसके डिवाइड में 1 लगाकर इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल।
यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 1/7, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/7। क्या किया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये मत सोचना कि इतना आसान करवा रही हूँ मैं, ये सोचकर करवा रही हूँ कि परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से आपको समझाना है। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसको भी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 चेंज इनटू परसेंटेज। 3/5 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3/5 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 5 2 10, यहाँ 23 60, ये हमारे पास किस में आया, परसेंटेज में, ये हमारे पास किस में आया, परसेंटेज में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दोनों मेथड्स आपको समझ आ चुके हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है, क्वेश्चन इस टाइप के लिए गए हैं कि बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम समझ सके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 80, अगर वाई का एक्स परसेंट किसके इक्वल है, 4/5 ऑफ 80 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ये देखो, फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब दे क्या रखा है हमें, इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई, वाई का एक्स परसेंट, इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई, वाई का एक्स परसेंट, एक्स परसेंट ऑफ वाई वो किसके इक्वल है, 4/5 ऑफ 80 का 4/5, क्या कहा इसने, एक्स परसेंट ऑफ वाई, एक्स परसेंट ऑफ वाई, वाई का एक्स परसेंट किसके इक्वल है, 80 के 4/5 के, 4/5 ऑफ 80। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक्स परसेंट ऑफ वाई या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं वाई का एक्स परसेंट, तो जहां ऑफ और का होता है वहां मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में 100 लगा सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई 100 मल्टीप्लाई वाई या वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई 100। इसको एक्स परसेंट ऑफ वाई को कैसे लिखेंगे, वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई 100 या एक्स वाई 100 मल्टीप्लाई वाई, जैसे आपकी मर्जी। यहां भी मैंने क्या बोला, अभी ऑफ या का को हटाने के लिए क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। यहां से हम ऐसे इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद है हमारे पास यहां से एक्स वाई डिवाइड बाय 100 और इक्वल टू, यहां से क्या आएगा हमारे पास, 5 1 5 और 3 बचेगा, 5 6 36, 5 80 होते हैं। तो यहां से 16 4 64, अब एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई इक्वल टू 64, ये डिवाइड में और साइन जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये क्या आई, एक्स वाई की वैल्यू, और निकालने क्या थी, एक्स वाई की वैल्यू। दोबारा से देखो क्या दे रखा था, एक्स परसेंट ऑफ वाई इक्वल है 4/5 ऑफ 80, इस साइड को सोल्व किया, इस साइड को सोल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है, When 37 into 1/5% of any number is added to itself become 99. क्या कहा है इसने, किसी नंबर का 37 into 1/2% अगर उस नंबर में ऐड कर दिया जाता है तो वो 99 बन जाता है। Find the original number and the number that is being added. Original number find out करना है और जो उसमें add किया वो find out करना है। दोस्तों हम इसको कई तरीके से करते हैं, जैसे mostly x मानकर, 100 मानकर ऐसे करते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल trick wise, बिल्कुल simple तरीके से और बहुत कम time लगने वाले तरीके से आपको समझाऊंगी। तो दोस्तों क्या है, 37 into 1/5% of any number is added. अगर किसी नंबर का इतने परसेंट उसमें ऐड कर दिया जाता है तो 99 मिल जाता है। वो नंबर फाइंड आउट करना है और वो जितना उसमें ऐड हुआ वो नंबर फाइंड आउट करना है। अब हम इसको लेंगे, क्या है ये हमारे पास 37 into 1/2%, डायरेक्ट इसको क्या लिखना है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे लिखवाया था। अब मैं इसको सोल्व करके आपको बता देती हूँ। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहां से
37 2 जा हमारे पास 74 आएगा, और 74 में 1 ऐड करेंगे तो 75 और डिवाइड बाय 2 ये आएगा हमारे पास। अब परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में क्या लगाते हैं, 100, यहां से 25 3 जा 25 4 जा, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 3/8। ये क्या मिला हमें, फ्रैक्शन मिला, किया क्या है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आया 37 × 1/2 परसेंटेज है जो वो किसके इक्वल है 3/8 के। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 8 का इतने परसेंट 3 है, 8 का इतने परसेंट 3 है, या 3/8 का इतने परसेंट है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कोई नंबर है उसका इतने परसेंट उसमें ऐड करना है, तो यहां हमारे पास 8 का इतने परसेंट है, तो मान लेते हैं कि जो वो नंबर है वो क्या है 8, मान लिया जो नंबर है एनी नंबर जो इसने बोला है वो कितना है 8। अब 8 का 37 × 1/5% इसमें ऐड करना है, 8 का 37 × 1/5% है कितना 3। अब 8 का 8 में अगर 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11। 8 में मान लिया वो नंबर 8 है और 8 का 37 × 1/5% हमारे पास है वो कितना है 3, इसका इतने परसेंट हमारे पास है इसलिए वो नंबर क्या मानना है 8। 8 का इतने परसेंट इसमें ऐड कर दिया 11 आया, लेकिन इसने क्या बोला है उस नंबर का इतने परसेंट अगर हम ऐड करते हैं तो 99 आता है, कितना आता है 99, आया क्या है 11, तो ये इसके कितना गुना है 9 गुना, कितने गुना है ये 9 गुना, तो ये इसके 9 गुना है, तो नंबर कितना होगा इसका 9 गुना यानी 72, और ऐड कितना होगा उसमें इसका 9 गुना यानी 27 में 72 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 99। पजल नहीं होना है, दोबारा से देखो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रही हूँ, कोई जल्दबाजी यहाँ नहीं है। देखो क्या है, किसी नंबर का 37 × 1/2% उसमें ऐड करते हैं तो 99 मिलता है। 37 × 1/2% को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। अब वो नंबर है वो मान लिया 8 है, अब 8 का इतने परसेंट क्या है 3, तो 8 का इतने परसेंट इसमें ऐड करेंगे, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए 99। 11 का कितना है 9 गुना है, अगर 11 को 9 टाइम्स करते हैं तो 99 आता है, तो यहां से जो हमारे पास इकाई की वैल्यू है वो क्या आएगी 9। ये इसका 9 गुना है, नंबर कौन सा मानना था 8, तो असली नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा 8 का 9 गुना 72, और ऐड क्या करेंगे 3 का 9 गुना 27, तो आंसर हमारे पास ओरिजिनल नंबर 72 और इसमें ऐड करेंगे 27, तो दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। ये बिल्कुल बेसिक सबसे पहली ट्रिक है जो परसेंटेज में वो है, और ये हमेशा काम आती है कंपेटिटिव एग्जाम में जहां परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने सोल्व किया, सेम प्रोसीजर से है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, इफ 23 × 1/13% ऑफ एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, अगर किसी नंबर का 23 × 1/13% उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो रिजल्ट है वो 80 आता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है वो फाइंड आउट करना है और जो सब्ट्रैक्ट किया है वो फाइंड आउट करना है, यहाँ ऐड था यहाँ सब्ट्रैक्ट था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है 23 × 1/13% है जो किसी नंबर का इतने परसेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 3 = 39, 13 × 2 = 26, 26 में 3 ऐड करेंगे तो 29, और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 300/13, ये हमारे पास ये आया। अब इसको परसेंटेज हटाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 3/13, तो यहां से हमारे पास क्या आया 23 × 1/13% किसके इक्वल आया 3/13 के। करना क्या है, कोई नंबर है उसमें उसका इतने परसेंट सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्राप्त होता है। अब वो नंबर हम क्या मान लेंगे, जो एनी नंबर है वो क्या मान लेंगे 13, मान लिया ये 13 है वो नंबर। अब 13 का इतने परसेंट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है 10,
टेन, क्योंकि इसने क्या बोला है उस नंबर का इतने परसेंट सबट्रैक्ट करना है। अब 13 का इतने परसेंट हमारे पास है वो क्या है, 3 है, तो 13 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10, लेकिन आना क्या चाहिए 80, क्या आना चाहिए हमारे पास 80, तो यहाँ कितने गुना है ये 8 गुना, कितने गुना है ये इसका 8 गुना, तो नंबर क्या होगा 13 का 80 गुना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 8 हमारे पास क्या होता है 104, जो असली नंबर होगा जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा 104, यहाँ से सबट्रैक्ट कितना करेंगे इसका 8 जा 3 8 जा 24, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 104 होगा और सबट्रैक्ट क्या करना है 24, तो यहाँ से हमारे पास सबट्रैक्ट करेंगे तो 80 आएगा। दोबारा से समझो, क्या फ्रैक्शन परसेंटेज दे रखा था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसने बोला था किसी नंबर का इतने परसेंटेज सबट्रैक्ट करना है, अब 13 का इतने परसेंटेज हमारे पास है तो वो नंबर मान लेंगे 13 है, 13 का इतने परसेंटेज 3 है, 13 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए 80, इसका कितने गुना है 8, तो यहां से इसको 13 8 जा 104 3 8 जा 24, तो आंसर क्या आएगा 104 ओरिजिनल नंबर है, सबट्रैक्ट करने वाला नंबर 24 है। तो दोस्तों आज हमने परसेंटेज के ये 5 क्वेश्चन सोल्व किए, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।